उस दिन भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश में 1,25,000 से अधिक बहुजन समाज का मूवमेंट चलाने वाले संगठन लोग चला रहे हैं, लेकिन एक मंच पर कभी आने को तैयार नहीं है, कभी एक मंच पर आने के लिए तैयार नहीं है। मैं बताना चाहती हूं कि अगर तैयार नहीं है और 2019 में अगर हम सभी लोग तैयार होकर एक मंच पर आकर के ये 3% विदेशी ब्राह्मणों के खिलाफ अगर तैयार होकर के और 2019 में हमने रोकने का काम नहीं किया, तो जो संविधान में दी गई व्यवस्था है, इस व्यवस्था को खत्म करने की साजिश हो रही है। आप लोगों ने सुना होगा कि आरएसएस का प्रमुख बोलता है हम संविधान की समीक्षा करेंगे, बीजेपी का मंत्री बोलता है हम संविधान को बदलने के लिए आए हैं, राज्यसभा सांसद बोलता है बीजेपी का सुब्रत स्वामी कि हम भारत के संविधान आरक्षण को ऐसा समाप्त करेंगे कि रहना ना रहना बराबर होगा। भाइयों बहनों, लोकसभा चल रही है, लोकसभा 9 अगस्त को सुरक्षा व्यवस्था में भारत के संविधान की प्रतियां जलाई जा रही है, भारत का संविधान के तहत देश चलना है। आज संविधान का मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, डॉक्टर अंबेडकर का नारा मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, आरक्षण मांगने वालों को जूता मारो सालों को कहकर अपमान किया गया, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ, और जिन लोगों ने संविधान का अपमान किया उनकी नागरिकता समाप्त क्यों नहीं की गई, जो लोग संविधान के खिलाफ बोलने की जुर्रत करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इससे साबित होता है कि सरकार की नियत संविधान के प्रति साफ नहीं है।